आज अरविंद केजरीवाल मॉडल का मतलब है ऐसा है, मार्क की गारंटी से ज्यादा बड़ी गारंटी अरविंद केजरीवाल की करप्शन गारंटी, अरविंद केजरीवाल की करप्शन गारंटी। आया हूं तो कुछ तो घोटाला करके जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी, आज लोग कह रहे हैं जिसने भी दिल्ली को ठगा है, जिसने भी दिल्ली को ठगा है वो अरविंद केजरीवाल का सगा है। अरविंद केजरीवाल जी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ, आपने होने कैसे दिया? जब समय था जनता के आंसू पोंछने का, तब आप घोटाला करके आबकारी नीति क्यों ला रहे थे? क्या जनता की चिंता आपको नहीं है? केवल रुपया कमाना, लूट खसोट करना, भ्रष्टाचार फैलाना आपका मकसद है, इसलिए आप राजनीति में आए थे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो रोज सुबह शाम टैक्स पेयर के रुपए से इश्तिहार देते थे, टीवी पे बैठते थे, और आज जनता ने तीन सवाल क्या पूछ लिए? तीन सवाल, और आपकी नींव पूरी तरह से खिसक गई। जब आप ये कहते हैं कि 1 करोड़ का केवल घोटाला लिखा है सीबीआई की एफआईआर में, तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं घोटाला तो हुआ लेकिन उतना बड़ा नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अगर आप जैसा आप कहते हैं कट्टर ईमानदार हूं और ये राजनीतिक द्वेष का मामला है, न्यायालय जाइए, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि कट्टर बेईमान अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया है। जब से लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हम तो दिल्ली में ही है। अरे सिसोदिया जी, आपको पता नहीं लुकआउट नोटिस किसको जारी किया जाता है? अगर पता नहीं तो इसको भी पता कर लें। आप सोच रहे ग्रीटिंग कार्ड मिलेगा? आपने दिल्ली के अंदर रिहायशी इलाकों में ठेके खुलवा दिए, शराब माफिया को 144 करोड़ माफ कर दिए, 30 करोड़ माफ कर दिए, उनका कमीशन हजारों करोड़ बढ़ा दिया, 2.5% से 12% कर दिया, और आप ये कह रहे कि आपको लुकआउट नोटिस नहीं, आपको ग्रीटिंग कार्ड मिलना चाहिए। आपके समक्ष जो मुद्दा केवल दिल्ली की जनता ही नहीं पूरे भारत की जनता बात कर रही है और कह रही है, उसी को आगे बढ़ाने आए हैं। आज ये कहना देश की जनता कह रही है अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी है। ऐसा क्यों है मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि एक विपक्ष की भूमिका सकारात्मक रूप से जनता के सवाल कैसे मजबूती से उठाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाता है। सवाल क्या पूछे? सवाल पूछे कि अगर आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति सही थी तो वापस क्यों ली गई? जवाब आया विदेशी समाचार न्यूयॉर्क टाइम्स पत्रिका कहती है कि आम आदमी पार्टी का शिक्षा मॉडल बड़ा अच्छा है। सवाल पूछा अरविंद केजरीवाल जी, कोविड की दूसरी लहर आई, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की जनता के साथ खड़ी हो गई, दवाई सुनिश्चित करी, अस्पताल में बेड हो, ऑक्सीजन मिले,
दिल्ली के मुख्यमंत्री की कलम को, जिसको स्वास्थ्य, चिकित्सा, दवाई, बेड और ऑक्सीजन पर ध्यान देना था, अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी कलम, आबकारी नीति पे दस्तखत करने में लगी थी, मनीष सिसोदिया वो अकाउंटेंट बन के ये देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी के खजाने में जनता के पैसे की कितनी लूट आएगी। और एक बात कहना गलत नहीं होगा, आज भारत की जनता कह रही है आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है और जनता के लिए अभिशाप है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। आज ये सवाल पूछा जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी का उत्तर अभी तक जो आया है, मनीष सिसोदिया जी का उत्तर आया है, वो कहते हैं कि 2024 का चुनाव है, सब पूछ रहे थे मोदी जी वर्सेस कौन, अब कह रहे हैं मोदी जी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी, आज लोग कह रहे हैं जिसने भी दिल्ली को ठगा है, जिसने भी दिल्ली को ठगा है वो अरविंद केजरीवाल का सगा है। और मत भूलिए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें, शेख चिल्ली वाली बातें आपने पहले भी करी थी, बनारस गए थे, मुंह की खाई थी, उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो जाती है आपकी, उत्तराखंड गोवा में क्या हुआ हम सब जानते हैं। आज जो सवाल पूछे जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ, आपने होने कैसे दिया, जब समय था जनता के आंसू पोंछने का तब आप घोटाला करके आबकारी नीति क्यों ला रहे थे, क्या जनता की चिंता आपको नहीं है, केवल रुपया कमाना, लूट खसोट करना, भ्रष्टाचार फैलाना आपका मकसद है, इसलिए आप राजनीति में आए थे। और इसका उत्तर ना न्यूयॉर्क टाइम्स का वो आर्टिकल हो सकता है, इसका उत्तर ना राजनीतिक द्वेष की बात करना हो सकता है, इसका उत्तर सब लोग मुझसे डरे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी आपसे कोई डरा हुआ नहीं है। जैसे जैसे खुल रही है कड़ी, पास आ रही है आपके हथकड़ी, ये जो कड़ियां खुल रही हैं, सब जानते हैं कि आप कितने घबराए हुए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो रोज सुबह शाम टैक्स पेयर के रुपए से इश्तिहार देते थे, टीवी पे बैठते थे, और आज जनता ने तीन सवाल क्या पूछ लिए, तीन सवाल, और आपकी नींव पूरी तरह से खिसक गई, आपकी स्वघोषित ईमानदारी की इमारत ढह गई। मैं पुनः एक बात कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी आपको जनता को जवाब देना चाहिए, आपने प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार किया, बड़ा घोटाला किया, यह आपत्तिजनक है, चिंताजनक है, लेकिन सवाल मैं नैतिकता का उठाता हूं। दिल्ली वासियों की जान इसलिए गई क्योंकि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोविड की दूसरी लहर में यह सुनिश्चित करना था कि दवाई मिले, बेड मिले, ऑक्सीजन मिले, तब आप ठेकेदारों से मिलकर यह तय कर रहे थे कि वो कितनी कमाई करेंगे और आपके पास वापस कितना आएगा। यह राजनीतिक नैतिकता का प्रश्न है। दिल्ली में शराब कुछ दिन ना बिकती चल जाता, लेकिन आम आदमी को उसकी सांसें मिल जाती, यह जरूरी था, यह कर्तव्य था आपका, संविधान की शपथ इस बात की ली थी।
इसके साथ मैं देखता हूं बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और बहुत दुख हुआ मैंने जब मनीष सिसोदिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है लेकिन एफआईआर कह रही है केवल 1 करोड़ का घोटाला है। आप इनकी नीयत और सोच देखिए, घोटाले का भी जस्टिफिकेशन यह है कि यह छोटा 1 करोड़ का घोटाला ही लिखा है। तो मैं दो बातें मनीष सिसोदिया जी आपको मुफ्त की सलाह दे देता हूं। पहली बात, जो एफआईआर में लिखा गया है ना, ये कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं होता है। ये जो पूछताछ हो रही है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, हर भारतीय को यह यकीन है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और सत्य बाहर आएगा। और मैंने कहा ना, जैसे जैसे जुड़ेगी कड़ी वैसे वैसे पास आएगी हथकड़ी। और दूसरी बात, घोटाला 1 रुपए का हो या 1000 करोड़ का हो, सवाल आज आपकी ईमानदारी का है। आपने जनता के पैसे से अपनी तिजोरी क्यों भरी? जब आप ये कहते हैं कि 1 करोड़ का केवल घोटाला लिखा है सीबीआई की एफआईआर में, तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं घोटाला तो हुआ लेकिन उतना बड़ा नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और राजनीति में ईमानदारी, विश्वसनीयता ये आधारशिला है। जो रिश्ता एक नेता का जनता के साथ होता है, जिसका उदाहरण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी हैं, आपने उस विश्वसनीयता को तोड़ा है, इसलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और इस मंच का सदुपयोग करते हुए आदेश गुप्ता जी भी यहां है, संजय जी भी यहां पे है, हरीश जी भी है, मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप में थोड़ी सी नैतिकता बची है, 24 घंटे के अंदर यह समय बहुत है एक ईमानदार के लिए, आप केवल ये बताइए कि अगर आपने घोटाला नहीं किया तो आबकारी नीति वापस क्यों ली? 144 करोड़ की छूट आपने क्यों दी जिससे कि सरकार के कोष को घाटा हुआ? 30 करोड़ का जुर्माना आपने माफ क्यों किया? और अगर आप जैसा आप कहते हैं कट्टर ईमानदार हूं और ये राजनीतिक द्वेष का मामला है, न्यायालय जाइए, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं, न्यायालय जाइए, मामला रद्द कराइए। हम भी सराहेंगे कि हमने जो आरोप लगाए उनमें सत्यता नहीं थी, यह मादा हम में है। और अरविंद केजरीवाल जी, आप अपना मॉडल बताते हैं, मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज अरविंद केजरीवाल मॉडल का मतलब है ऐसा मार्क की गारंटी से ज्यादा बड़ी गारंटी, अरविंद केजरीवाल की करप्शन गारंटी, अरविंद केजरीवाल की करप्शन गारंटी। आया हूं तो कुछ तो घोटाला करके जाऊंगा। दो प्रदेशों में सरकार, दो स्वास्थ्य मंत्री, दोनों भ्रष्टाचारी, दोनों भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, 100% करप्शन। और ये चाहते हैं जनता इनको मौका दे, जनता इंतजार कर रही है। आप जनता के बीच में जाइए, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, पैरों के नीचे आपके जमीन नहीं है। गजब ये है, फिर भी आपको यकीन नहीं। और इस बात पे इनके दोहरे मापदंड को उजागर करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा।
यही अरविंद केजरीवाल, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री की शिकायत आती है, कहते हैं हमारे पास शिकायत आई है, और शिकायत आई है तो मैंने तुरंत स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया। सतेंद्र जैन, जिसको आपने कट्टर ईमानदार कहा था, वो 3 महीने से जेल में है, 3 महीने से। और आज ये कहना गलत नहीं होगा कि कट्टर बेईमान अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया है। और अगर पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री आपने हटाया ये कह के कि शिकायत आई है, सतेंद्र जैन को आज तक क्यों नहीं हटाया? मनीष सिसोदिया, जो आज सीबीआई की जांच चल रही है, तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? ये दिखाता है ये घोटाला जो है ये रुकता नहीं। केवल मनीष सिसोदिया उर्फ एक्यूज्ड नंबर 1 पर यह घोटाला जाता है, भ्रष्टाचारी नंबर 1 अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक, और सीबीआई हो या कोई भी जांच एजेंसी हो। यह टीवी पे आकर दलील देना बंद करिए, एक बात जान लीजिए, कोई भ्रष्टाचारी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है, और अरविंद केजरीवाल जी आप भी कानून से ऊपर नहीं है। गलत अगर किया है तो अब आपके दिन जो बचे हैं वो गिनती के बचे हैं। धन्यवाद। आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली बार ये देखा गया है कि वही शिक्षा मंत्री हैं और वही शराब मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री भी वही है, शराब मंत्री भी वही है। और अभी गौरव जी बता रहे थे कि नई आबकारी नीति लाए, तो मैं बता देना चाहता हूं, ये नई आबकारी नीति नहीं है, ये पापकारी नीति है, ये भ्रष्टाचारी नीति है, ये विनाशकारी नीति है, ये अत्याचारी नीति है, ये अनाचारी नीति है। ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो आबकारी नीति लाए हैं वो दिल्ली के लिए विनाशकारी नीति साबित हुई है, दिल्ली के लिए पापकारी नीति साबित हुई है, दिल्ली के लिए भ्रष्टाचारी नीति साबित हुई है। और मैं आज ये कहना चाहता हूं, जब से लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हम तो दिल्ली में ही है। अरे सिसोदिया जी, आपको पता नहीं लुकआउट नोटिस किसको जारी किया जाता है? अगर पता नहीं तो इसको भी पता कर लें। ये साफ लिखा है, दरअसल लुकआउट सर्कुलर, लुकआउट नोटिस भी कहा जाता है, ये एक सर्कुलर होता है जिसे एजेंसी के अधिकारियों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि आपराधिक मामले, आपराधिक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो नामित शख्स है वो देश छोड़कर भाग ना जाए। इसका सीधा अर्थ है सर्कुलर नोट, लुकआउट सर्कुलर, लुकआउट नोटिस सिसोदिया जी उनको जारी होता है जिन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने दिल्ली को ठगा है, जिन्होंने दिल्ली की माता बहनों परिवारों को उजाड़ा है, जिन्होंने दिल्ली के अंदर युवाओं को शराब के नशे में ढकेला है, ऐसे लोगों को लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है सिसोदिया जी, ऐसे लोगों को ग्रीटिंग कार्ड नहीं दिए जाते। आप सोच रहे ग्रीटिंग कार्ड मिलेगा? आपने दिल्ली के अंदर रिहायशी इलाकों में ठेके खुलवा दिए, शराब माफिया को 144 करोड़ माफ कर दिए, 30 करोड़ माफ कर दिए, उनका कमीशन हजारों करोड़ बढ़ा दिया, 2.5% से 12% कर दिया, और आप ये कह रहे कि आपको लुकआउट नोटिस नहीं, आपको ग्रीटिंग कार्ड मिलना चाहिए। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आप, मैं बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल, यही अरविंद केजरीवाल है, देखिए स्वराज पुस्तक है, और इस स्वराज पुस्तक में, इस पुस्तक का लेखक अरविंद केजरीवाल है, ये लिखा है ये किताब व्यवस्था परिवर्तन और भ्रष्टाचार के खिलाफ। और देखिए इसी स्वराज पुस्तक के एक पेज में लिखा है कि अगर कोई शराब की दुकान
खोलने के लिए आएगा तो हम उसको मंजूरी नहीं देंगे। अगर किसी भी रिहायशी इलाके में कहीं शराब का नया ठेका खोला जाएगा तो उससे पहले महिला संगठन और वहां के लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन ये केजरीवाल जो 7 साल पहले स्वराज पुस्तक में लिखते हैं, जो 1 साल पहले विधानसभा में कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी करने वाले देश के गद्दार हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी ये वक्त आ गया है कि भ्रष्टाचारी जो गद्दार हैं देश के, उन गद्दारों को अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाइए, आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए भ्रष्टाचारियों को जो गद्दार हैं। ये देश के गद्दार जिसको आप खुद कह रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए। पूरी उम्मीद है कि आप इस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके भी हाथ पूरी तरह उसमें रंगे हुए भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार के में दलदल में आप भी फंसे हुए हैं। किंगपिन है आप, सरगना है अरविंद केजरीवाल इस पूरी भ्रष्टाचार शराब के लिए, जो भ्रष्टाचार किया दिल्ली के अंदर, जो शराब माफियाओं के सहयोग उनके उनके साथ नरम बर्ताव किया है और उनको तमाम रियायतें दी है। यही सिसोदिया जी कह रहे थे कि हम तो शराब की नई नीति इसलिए लाए हैं कि इससे हम शराब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जब इनका पोल खुल गई है तो अब ये दूसरी दूसरी दलीलें दे रहे हैं, दूसरी दूसरी बातें कर रहे हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं, तुम इधर उधर की बात मत करो, ये बताइए कि दिल्ली के राजस्व में डकैती डालने का, दिल्ली के राजस्व में चोरी करने का काम क्यों किया? ये पाप दिल्ली के लोगों की जो टैक्स की कमाई है, उस टैक्स की कमाई को शराब के माफियाओं को क्यों लुटाया गया? इसका जवाब जानना चाहती है दिल्ली की जनता, देश की जनता। इसलिए इस तरह की बातें करके गुमराह मत करो। आपकी पोल पूरी खुल चुकी है और जो भ्रष्टाचारी हैं, अब उनका पोल खुल के उनकी जेल की दरवाजे तक जाने की बारी है। तो इसलिए जो जवाब आज भारतीय जनता पार्टी मांग रही है, जो जवाब दिल्ली की जनता मांग रही है, तुम इधर उधर की बातें मत करो, वो जवाब दीजिए कि आखिर शराब माफिया को आपने करोड़ों रुपए का फायदा क्यों पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो प्रश्न आपने किया दो भाग में उसे बांटते हुए, ये नया फैशन है आजकल भारतीय राजनीति में, खासकर विपक्ष की पार्टियां, जब देश को प्रदेश को लूटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं तो नहीं सोचते। जब कांग्रेस के शासन में जांच एजेंसियों को पिंजरे का तोता बनाया था तब नहीं सोचा था। आज जब जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ती हैं, जनता का रुपया जो लूटा गया है वापस लाती हैं, तो कहा जाता है ये राजनीतिक द्वेष का मामला है। लेकिन ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, आप लोग न्यायालय जाते हैं वहां से ये मामले रद्द नहीं होते। ये जिस दिन एक फैसला सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दिखा देंगे कि ये न्यायालय ने कहा कि ये राजनीतिक द्वेष का मामला है, उसके बाद इनकी बात में कुछ वजन होगा। आज तो ये ओछी हल्की निंदनीय राजनीति कर रहा है, और ये कहना गलत नहीं होगा। ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। जब आप कहते हैं कि वो यही है, लुकआउट नोटिस क्यों जारी किया? एक ईमानदार जांच एजेंसी ईडी को इडियट बुलाइए,
सीबीआई अपना काम कर रही है कि कुछ भी हो जाए इन कट्टर बेईमानों को भागने नहीं देंगे। कानूनी प्रक्रिया के तहत लुकआउट नोटिस करती है, पूछा जाता है ये यहीं दिखाई दे रहे हैं, क्यों किया? क्योंकि कानून प्रक्रिया ये कहती है कि आप इस तरह से लुकआउट नोटिस जारी कर सकते हैं और इसलिए किया गया। यह न्याय संगत है, उचित है, और देश में यह बदलना चाहिए कि अपनी जांच एजेंसियों पे सवाल उठाने के बजाय वो माइक अरविंद केजरीवाल के सामने रख के पूछा जाए, ये बताओ घोटाला किया क्यों, ये बताओ जनता का दुख जो तुम्हें हरना था वो हरने की बजाय तुम करोड़ों को घोटाला क्यों कर रहे थे। देखिए, पहले सवाल के उत्तर में मैं ये कहूंगा, मुझे दुख होता है कि आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी का विवेक देखिए हर लिया गया। आपने घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, आप कह रहे हैं कि इन प्रदेशों में चुनाव आने वाले हैं, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा और कोई विधानसभा के चुनाव आने वाले होंगे तो जांच एजेंसी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। अब चुनाव है, हम कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कौन सा कानून है? किसी और देश के कानून से चल रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? और जहां तक जनता की बात है ना, खुद को सर्टिफिकेट देना ईमानदारी का, कट्टर ईमानदार, मैं बड़ा चेहरा बन के आज भारत में एक बड़ा नेता हूं, जो शख्सियत और व्यक्तित्व बड़ा होता है, जिसको जनता का आशीर्वाद मिला होता है, वो खुद को सर्टिफिकेट नहीं दिया करता है। उसकी पहचान, उसकी ईमानदारी, उसका काम बोलता है। जनता की आंखों में अरविंद केजरीवाल है जीरो, खुद की आंखों में वो है हीरो, इसका कोई इलाज नहीं है। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि अभी जो हायर एजुकेशन में और स्किल डेवलपमेंट में उन्होंने एक पॉलिसी निकाली दिल्ली में, जिसमें बच्चों को मदद करने के लिए बात कही, बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, बनाई थी, पूरी देश और दुनिया में उन्होंने बड़े बड़े इश्तहार किए, एडवर्टीजमेंट किए। तो जब आईटीआई का जवाब आया कि भाई कितने बच्चों को आपने मदद की, तो दो बच्चों को उन्होंने कहा कि हमने लोन दिया, लेकिन जब एक और आईटीआई लगाई तो यह आया कि डिस्पर अप्रूवल इसमें दो बच्चों को दिया गया था कि दो बच्चे पढ़ाई करें, लोन दिया गया, लेकिन जब आईटीआई दूसरी लगाई तो डिस्पर्सल जीरो था, यानी दो छात्रों की सहायता के लिए उन्होंने अप्रूवल दिया लेकिन उनको सहायता प्रदान नहीं की गई। जब एक दूसरी आईटीआई लगाई तो इसी स्कीम का उन्होंने प्रचार इतना किया कि 19.5 करोड़ रुपया उस पर खर्चा किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आईटीआई का जवाब है, मेरे पास आईटीआई भी है। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार स्कीम तो बहुत बनाती है, उन्होंने 39 स्कीम 7 वर्षों में ऐसी बनाई, 39 स्कीम, जो सिर्फ स्कैम तक ही सीमित रही, जिनका प्रचार के रूप में स्कैम हुआ, जनता तक वो पहुंची नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है, इसलिए उनका जो प्रचार तंत्र है इससे पता लगता है। मैं एक नहीं अनेक स्कीम बता सकता हूं। देखिए, सबसे पहले तो सिद्धांत के तौर पे मैं एक बात करूंगा, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, ये जांच एजेंसियां जो है ना, ये अब पिंजरे का तोता नहीं है, ये अपना कार्य करेंगी और कानून की नजरों में अरविंद केजरीवाल जी भी एक सामान्य नागरिक हैं। दूसरा, जो आपने कहा बार बार इसे चुनाव से जोड़ के ये जो वक्तव्य दे रहे हैं, जिस तरह की भ्रष्टाचारी निकम्मा मुख्यमंत्री होने की छवि अरविंद केजरीवाल जी की बन गई है,
उनके लिए ये अच्छा है कि जब तक रिपोर्ट कार्ड उनका जनता दे ना दे, और जिस दिन ये रिपोर्ट कार्ड आएगा वो ये जान जाएंगे कि आजाद भारत की राजनीति में सबसे भ्रष्टाचारी नेता कोई है जिसको सारे एफ मिले फेल, वो अरविंद केजरीवाल ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।